enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. क्या आप जानते हैं कि इस वीकेंड सलमान खान ने क्या किया? सैटरडे नाइट सलमान ने की शाहरुख के दोस्तों के साथ पार्टी और संडे को आ गए फराह खान के साथ और जता दी ओम शांति ओम और मैं हूं ना पार्टू में काम करने की ख्वाहिश। इस वीकेंड सलमान ने कैसे किया अपने कैंप को स्ट्रॉन्ग, बताएगी कवर स्टोरी। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। शाहरुख का ये गाना अब बन सकता है सलमान का फेवरेट। Yes, कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है। और ओम शांति ओम के सबसे बड़े गाने में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स अब शाहरुख नहीं सलमान के लिए डांस करते नजर आ सकते हैं। ओम शांति क्योंकि सलमान और फराह दोनों ने कर दिया है ये ऐलान कि मैं हूं ना और ओम शांति ओम के जब भी पार्ट टू बनेंगे उसमें शाहरुख का नहीं सलमान का होगा लीड रोल। और अब जरा ये देखिए कि कैसे सलमान ने इन सितारों को जुटाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। सैटरडे नाइट को सलमान ने रखी एक पार्टी, उसमें क्या क्या हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे, मगर ये भी जान लीजिए कि इस वीकेंड अपने कैंप को मजबूत करने में सलमान इतने बिजी थे कि इस अक्षय तृतीया के दिन मिस हो गया सलमान से शादी का चांस। मुंबई में राज ठाकरे ने कई शादियां करवाई लेकिन अगर सलमान को भी देते न्योता तो वो भी ले लेते सात फेरे। मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे बुलाया होता तो मैं शायद उनकी बात मान के शादी कर लेता। सलमान के इसी सेंस ऑफ ह्यूमर ने फराह को भी दीवाना बनाया। संडे को सलमान ने फराह के शो में शिरकत क्या की, फराह और उनके बीच की बॉन्डिंग जबरदस्त हो गई, ठीक वैसे ही जैसे कभी शाहरुख और फराह की हुआ करती थी। लेकिन बायगॉन्स आर बायगॉन्स, शाहरुख और फराह के बीच आई दोस्ती की दरार को थोड़ा और बढ़ा दिया है सलमान खान नाम के इस शख्स ने। सलमान ने यहाँ शाहरुख को ले लिया लपेटे में, जब मजाक मजाक में ही सही उन्होंने किया ये खुलासा कि शाहरुख नहीं वो थे फराह की पिछली फिल्मों के लिए फर्स्ट चॉइस। In fact, मैं हूँ ना and the other one was the Om Shanti. Om Shanti. I was supposed to do those. अपने पुराने दोस्त शाहरुख पर किए गए ऐसे कमेंट से फराह को कोई तकलीफ नहीं हुई, उल्टा वो भी शामिल हो गई इस हंसी मजाक के खेल में जब सलमान के साथ मिलकर उन्होंने ये दावा कर दिया कि ओम शांति ओम और मैं हूँ ना के सीक्वल्स में होंगे सलमान खान। यानी सलमान नाम के इस मैग्नेट की तरफ खींची चली आई फराह भी। शाहरुख के कैंप से सिर्फ फराह ने ही सलमान की ओर रुख नहीं किया, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीर है सलमान की पार्टी की, वो पार्टी जो हुई थी सलमान और फराह की मुलाकात से एक रात पहले, और इस वाइल्ड पार्टी में है शाहरुख के वो दोस्त जो उनकी किंगडम का एक अटूट हिस्सा थे, रितेश देशमुख, संजय कपूर, नीलम, जीनो मोरिया, नंदिता मेहतानी और चंकी पांडे। सलमान का जलवा इन्हें भी खींच लाया और एसआरके सलमान वॉर की कहानी में ले आया एक नया ट्विस्ट। मस्ती किस तरह की हुई जरा इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। कौन क्या है हम नहीं कहेंगे, आप ही गैस कीजिए। सलमान के अलावा किसी को नहीं पहचान पाए। लगभग फुल मोंटी करने वाले ये स्टार्स हैं रितेश देशमुख, उनके बगल में सोहेल खान, फिर सलमान, अरबाज और जीनो मोरिया। बस ये तस्वीर ही कह रही है वो कहानी कि किस तरह सलमान नाम का मैग्नेट खींच रहा है एसआरके कैंप्स के सितारों को। इन स्टार्स के सलमान से दोस्ती बढ़ाने की वजह शायद ये भी है कि वो जानते हैं कि सलमान अपने वादे के पक्के हैं और सलमान ही हैं जो कईयों की डूबती नैया पार लगा चुके हैं, और अगर इन स्टार्स को सलमान का हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो क्या बुराई है। शाहरुख बड़े दिल के बादशाह हैं, इन बातों को समझ ही लेंगे। गौरव दुबे, जूम, मुंबई।